Dear students, let's see this question that came in KBBY 2019 SX part 1 physics paper. Basically, in this question, what's happening is there's stellar body whose radius is 50 times that of sun and the surface temperature is twice that of sun. Okay, its distance from the earth is 2 into 10 to the power 10 astronomical unit. Now, what is astronomical unit? Basically, the distance, average distance between the sun and the earth is called one astronomical unit. Okay, and here RS and TS represents the radius of the sun and the temperature of the surface of the sun. So now in this scenario, we have to assume that the stellar body and the sun both are ideal black bodies. So we have to find the ratio of the power received on the earth from the sun as compared to, we have to find the ratio of the power received on the earth from the stellar body as compared to that received from the sun on the earth. That means, jo stellar body se power aa raha hai earth pe, uska ratio in comparison to the power that we get from the sun. This is what we have to do. Now, this is a very very regular question if you have prepared for JEE mains or advanced. Ekdam regular question hai. इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर तुमने जेई मेंस लेवल पे प्रिपरेशन भी करी है, देन आल्सो यू वुड हैव सीन सच अ क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, तो देखो, जैसे लेट्स से दिस इज द सन. ठीक है, अब ये अर्थ. ठीक है, ये अर्थ, राइट, ये हमारी अर्थ हो गई. राइट, नाउ सिंस द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द अर्थ एज वेल एज द सन. मतलब सन के डायमेंशन की अगर अपन बात करें और अर्थ के डायमेंशन की अपन बात करें, तो इन दोनों के डायमेंशन से बहुत ज्यादा होता है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज सुपर लार्ज इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ बोथ अर्थ एज वेल एज सन. तो अब सन से जो भी पावर निकल रहा है, जैसे कि पावर सन से जो निकला वो हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. एक स्फेरिकल सरफेस पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे टी कोस टू जीरो पे लाइट निकलना शुरू हुई, ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये इतने बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी. ठीक है, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर के, जहाँ पे आर ये है, ठीक है, स्मॉल आर, इस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी. फिर ये लाइट और आगे बढ़ेगी, तो वी कैन से दैट वी कैन सी कि ये स्फीयर ग्रो होता है. ठीक है, ये स्फीयर बड़ा होता जा रहा है, तो फिर एक ये यहाँ पे पहुंचेगी. तो ये पावर जो सन से निकला था, ये इतने, मतलब 4 पाई आर2 स्क्वायर के एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. ठीक है, ऐसे करते 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 जब ये अर्थ तक पहुंचेगा, ठीक है, जब ये अर्थ तक पहुंचेगा, तो वी कैन से दैट कि ये इतने, मतलब जैसे कि अगर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस डी है. ओके, सो इफ वी से दैट सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस डी है, तो फिर ये डिस्टेंस को अगर मैं डी कह रहा हूं, तो 4 पाई डी स्क्वायर के एरिया पे ये जो लाइट पावर निकली, ठीक है, पावर ऑफ सन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी. ठीक है, हेंस वी कैन से दैट जो लाइट्स अर्थ पे पहुंच रही है सन से, उसकी ये इंटेंसिटी हो चुकी होगी. कैन वी से दैट उसकी इंटेंसिटी हो चुकी होगी. ठीक है, अब तुम ध्यान से सोचो, तो ये लाइट देखो कैसे आ रही है, जैसे इधर जा रही, जैसे इधर भी गई, है ना, इधर भी गई, ठीक है, फिर इधर भी गई, इधर भी गई, तो हर तरफ इट इज गोइंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. तो जो लाइट इस अर्थ की तरफ आ रही है, तो कैन वी से दैट कि जो इतने एरिया में, मतलब एक अगर अपन अर्थ के सामने एक ऐसा डिस्क इमेजिन करें, जैसे अगर ये अर्थ है, तो यहाँ पे एक मैंने डिस्क रख दिया, ठीक है, ऐसा एक डिस्क रख दिया, अर्थ की रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो इस डिस्क का जो, जैसे मतलब दोनों का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हुए एक ऐसा डिस्क रख दिया, तो इस डिस्क में से जो भी लाइट निकलेगी वो अर्थ पे स्ट्राइक करेगी. कैन वी से दैट, जैसे अगर तुम्हें थोड़ा जूम्ड पिक्चर देखना है, तो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमने एक ऐसा डिस्क रख दिया, ठीक है, ये ऐसा डिस्क, तो जो भी लाइट इस डिस्क को क्रॉस करेगी वो ही अर्थ पे गिरेगी. तो कैन वी से दैट कि ये जो, मतलब जितनी भी लाइट, जितना भी पावर यहाँ पहुंच रहा है, जितनी भी इंटेंसिटी है, मतलब इस जो बड़े वाले स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है पावर, तो उस पावर की इंटेंसिटी अर्थ तक पहुंचने पर कितनी हो गई थी, पी एस अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर. इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क से. तो एरिया ऑफ द डिस्क कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर, जहां पे आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. राइट, सो वी कैन से दैट दिस इज द पावर रिसीव्ड ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन. सन की वजह से ये पावर आएगा अर्थ पे. ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट,
By the way, this concept is taught, as I told you, a lot of times in J mains and advanced level questions. It's a very fairly regular concept. Now, if you go back to the scenario, तो जो पावर स्टार से आ रहा है, मतलब जो स्टेलर बॉडी को मैं एस बी कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली जो अपन अर्थ पे जो पावर रिसीव कर रहे हैं ड्यू टू स्टेलर बॉडी, जैसे इसको, एक सेकेंड, इसको मैं ना आई एम राइटिंग, जो पावर अपन अर्थ पे आ रहा है ड्यू टू स्टेलर बॉडी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, पावर एमिटेड बाय स्टेलर बॉडी, पावर एमिटेड बाय स्टेलर बॉडी कितना होगा, ई इंटू ए, ठीक है, ई इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर ऑफ स्टेलर बॉडी, ठीक है, होल टू द पावर 4, दिस इज द पावर एमिटेड बाय स्टेलर बॉडी, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टेलर बॉडी, ठीक है, वो कितना है, वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 2 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है, ए यू, ये ऐसा स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्टेलर बॉडी दैट इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, ऑल्दो ये एनीवे कैंसिल ही हो जाएगा, बट जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि ये पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज द टोटल पावर रिसीव्ड ऑन द अर्थ ड्यू टू द स्टेलर बॉडी, वैसे पाई आर स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल ही हो जाएगा जब अपन सन की पावर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा एमिसिविटी ऑफ द सन, वो तो वापस से वन हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ द सन, ये एरिया ऑफ द स्टेलर बॉडी है, यहाँ पे एरिया ऑफ द सन आएगा, ठीक है, सिग्मा इंटू टेम्परेचर ऑफ द सन, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, 1 AU का होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आया, ठीक है, अब इसको अपन देखो क्या आएगा, ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है, एमिसिविटी वगैरह सिग्मा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिवली हमारे पास ये क्या बच रहा है, इफेक्टिवली हमारे पास बच रहा है एरिया ऑफ स्टेलर बॉडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सन, तो एरिया ऑफ स्टेलर बॉडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सन, तो रेडियस एरिया इज स्क्वायर ऑफ रेडियस, मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो जो इस बॉडी का रेडियस है वो 50 टाइम्स रेडियस ऑफ सन है, तो एरिया ऑफ एस बी अपॉन एरिया ऑफ सन कितना हो जाएगा, 50 स्क्वायर, करेक्ट, 50 स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ स्टेलर बॉडी अपॉन एरिया ऑफ सन, ठीक है, फिर टेम्परेचर ऑफ स्टेलर बॉडी डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सन, तो इसकी रेशियो 2 दी गई है, तो 2 का पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, फिर यहाँ पे सिग्मा कैंसिल हो चुका है और डिनोमिनेटर में ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद 2 इंटू 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर, तो वो 10 टू द पावर 20 में बन जाएगा और यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट, तो अब यहाँ से यू कैन सी कि हमारे पास क्या बच रहा है, ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 50 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मतलब कि 15 इंटू 200 का स्क्वायर, दैट मीन्स ओवरऑल 100 स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर 20, विच मीन्स 10 टू द पावर माइनस 16, दैट मीन्स द ओवरऑल रेशियो विल बी 10 टू द पावर माइनस 16, सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट्स अ फेयरली रेगुलर क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, इट्स जस्ट दैट कि इफ यू हैव डन सच क्वेश्चन इन योर जेईई मेंस प्रिपरेशन, विच एनी सिंसियर स्टूडेंट शुड हैव डन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इन माय ओपिनियन ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, थैंक यू.